ठीक हो गया। रिलेटिव मोशन इन दूरी। देखो टू डायमेंशन में क्या होता है, वैसे मैं बता चुका हूँ आपको, आपको वन डायमेंशन बता चुका हूँ, टू डायमेंशन में भी बता चुका हूँ, थ्री डायमेंशन में ही बता चुका हूँ आपको। अच्छा थ्री डायमेंशन क्या होता है, बेसिकली थ्री डायमेंशन में आपका थ्री डायमेंशन में आपका एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे। वो मैंने बेसिक थ्योरी में आपका कवर किया था, बेसिक थ्योरी में वो कवर हो चुका है वैसे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ठीक है ना, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा क्या होता है, ऐसा मतलब डायमेंशन में अलग से क्या होता है। अच्छा मान लो, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझना सबसे बढ़िया रहता है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपका ए जा रहा है इधर को 5 मीटर पर सेकेंड से, और बी जा रहा है इधर को 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, इसके साथ 37 डिग्री बनाते हुए। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हाँ अन्वेषा निकाल पाओगे इसको? सर कंपोनेंट्स लेके एक्स और वाई में। हाँ कंपोनेंट लेके हो जाएगा ना काम, समझ में आता है क्या? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो एक काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए अलग से लिख लेते हैं, कितना हो गया 5i कैप। वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो गया, हाँ अब तो इसको तोड़ना पड़ेगा, बी ऐसे तो नहीं आएगा। 10 का cos 37 i कैप, 10 का sin 37 j कैप। ठीक है, cos 37 होता 4/5, तो 8i कैप प्लस 6j कैप। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो इसके आगे देखते हैं, तो VAB कितना हो जाएगा, VA माइनस VB करोगे यहां के हिसाब से, देखो जरा ध्यान से देखो, VA माइनस VB करोगे तो -3i कैप -6j कैप। हाँ नीली कोई दिक्कत है इसमें? तो ध्यान से देखो इसको, टू डायमेंशन मोशन में रिलेटिव मोशन कैसे चलेगा। नीली नहीं सर नहीं समझ आ रहा। आ गया ना समझ में? ठीक है चलो, मतलब बेसिकली करना क्या है आपको, सारी चीजें है ना, जैसे ए तो बड़ा सिंपल था, ए तो आई कैप में था, बी क्या था, बी कोई एंगल पर था, तो उसको आई कैप जे कैप में करके लिख दो, कंपोनेंट में तोड़ के लिख दो उसको, बस उसके बाद तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा आपका रेगुलर, है ना। लिख लो उसको, लिख लो। हाँ भाई
है। दूसरा आपको जो टॉपिक दे रखा है, आपको आपको दे रखा है प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल बता रखा है इन अ लिफ्ट। प्रोजेक्टाइल लिफ्ट में क्या होगा, ठीक है, प्रोजेक्टाइल इन अ लिफ्ट दे रखा है। अच्छा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल आपको पता ही है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की कहानी आपको पता है, ठीक है। यहां से फेंका यू से, एंगल थीटा पर मैक्सिमम हाइट रेंज वगैरह सब निकालनी आती है, ठीक है। अच्छा मान लो अब मैं हूं उसके अंदर, अब मैं लिफ्ट के अंदर हूं और लिफ्ट के अंदर मैं ऐसे करके फेंक कर रहा हूं, यू वेलोसिटी मेरी ग्राउंड फ्रेम में नहीं है, यू वेलोसिटी मेरी ग्राउंड फ्रेम में नहीं है, यू वेलोसिटी मेरी है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर कितने से फेंक रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर यू जो है, यू है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, हमने पहले से ही लिफ्ट के अंदर चल दिए है, इसका मतलब समझ में आता है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, कभी भी विद रिस्पेक्ट टू समथिंग होता है तो वहां खड़े हो जाओ, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में आप लिफ्ट में खड़े हो जाओ अंदर। अब देखो इसने इतने से फेंका है, इस एंगल में फेंका हुआ है थीटा एंगल पर, ठीक है। अब बॉल पर दो एक्सेलरेशन लगेंगे, बताओ बॉल पर अगर मान लो अगर लिफ्ट जा रही है ऊपर को, लिफ्ट जा रही है ऊपर को, तो लिफ्ट जा रही है ऊपर को ए से, लिफ्ट जा रही है ऊपर को ए से, ठीक है। तो ये तो ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। देखो क्योंकि क्या होगा, क्योंकि हमें सारी चीजें, ऐसे में कभी क्वेश्चन पूछता है तो सारी चीजें हमें रिस्पेक्ट में निकलवाएगा, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट कितनी हुई, ग्राउंड फ्रेम में नहीं पूछेगा आपसे, ग्राउंड फ्रेम में करना होगा तो ग्राउंड फ्रेम में हम लेके चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब चीजें ग्राउंड फ्रेम में ले लो, लेकिन वो पूछेगा आपसे विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, या लिफ्ट में मैक्सिमम हाइट कितनी आई, क्या आया, तो वेलोसिटी तो ऑलरेडी दे दी उसने विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लेकिन एक्सेलरेशन के बारे में नहीं बोला। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना होता है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। अब जरा ध्यान से देखो, बॉल अगर हवा में है, बॉल अगर हवा में भले ही लिफ्ट के अंदर हो, अच्छा एक्सेलरेशन कैसे आता है, हाँ भाई नैतिक, एक्सेलरेशन के पीछे क्या रीजन है, किसी बॉडी में एक्सेलरेशन क्यों आता है, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो अर्थ का फोर्स हो गया। इन जनरल किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन क्यों आएगा, मतलब बेसिक रीजन क्या है एक्सेलरेशन आने का, एक्सेलरेशन ठीक है, एक्सेलरेशन मोशन की एक वो है, हम मेजरमेंट है कि हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन मेजर करते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन आएगा क्यों, किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन क्यों आएगा, एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, ठीक है वो भी ठीक है, आपकी डेफिनेशन है, लेकिन क्यों आएगा एक्सेलरेशन, कोई बॉडी एक्सेलरेट क्यों करेगी, फोर्स आ रहा है क्योंकि, क्योंकि फोर्स आ रहा है, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा ना एफ इज इक्वल टू एम ए, अगर फोर्स लग रहा है तो फोर्स डिवाइड बाय एम, इतना बॉडी पे एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अगर नेट फोर्स कुछ है, अगर नेट फोर्स कुछ है आप पर, तो एफ डिवाइड बाई एम कितना, तो एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा एफ इज इक्वल टू एम ए के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, बॉडी का एक्सेलरेशन जब तक बॉडी हवा में है, हवा में कोई बॉडी है तो उस पर एक ही फोर्स लग रहा है, लिफ्ट कोई फोर्स नहीं लगा रही, ये आप न्यूटन्स लॉ में पढ़ोगे, बहुत अच्छा फोर्सेस की जानकारी आपको न्यूटन्स लॉ में मिलेगी, लेकिन इतना तो समझ में आता है, लिफ्ट के अंदर हो या हवा में हो, लिफ्ट के अंदर हवा में हो या फिर जमीन टू जमीन हवा में हो,
फोर्स तो एक ही लग रहा होगा, कोई लिफ्ट क्या फोर्स लगाएगी जब तक कॉन्टेक्ट में नहीं है। देखो आगे आगे क्या पढ़ोगे आप, फील्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ोगे। फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टेक्ट, एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट। क्या लिफ्ट तभी तक फोर्स लगाएगी जब तक कॉन्टेक्ट में हो, मतलब मेरे को जमीन ऊपर को पुश कर रही है बैलेंस करने के लिए। जब तक मैं कॉन्टेक्ट में हूँ, जब मैं हवा में हूँ तो मेरे पास जमीन का कोई फोर्स थोड़ा है, मतलब फर्श का कोई फोर्स नहीं है, मेरे फ्लोर का कोई फोर्स नहीं है। हाँ अर्थ का फोर्स है, अर्थ का फोर्स आ रहा है एमजी, ठीक है। अब मैं पीछे को ऐसे धक्का ले लेता हूँ अपने आप को, ये दीवार पीछे चली जाती है लेकिन दीवार ने मेरे को आगे को धक्का लगाया है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से जब तक पार्टिकल हवा में सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है उस पर एमजी का, जिसके कारण एमजी इज इक्वल टू एम ए करोगे तो एक्सलेशन पार्टिकल पर सिर्फ जी है, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम में एक्सलेशन हमेशा जी रहेगा जब तक वो हवा में है। हाँ कल के दिन में कह देगा उस पर, ये अगले साल की बातें हैं, कल के दिन में कहेगा आपसे कि उस पार्टिकल पर चार्ज है क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ई, ठीक है, तो उसके कारण एक्सलेशन आएगा। देख लो अगले साल वाली प्रॉब्लम्स है, इस साल की प्रॉब्लम्स नहीं है। तो फंडामेंटल चीज देखो, यहाँ पर जब तक पार्टिकल हवा में है सिर्फ एक ही एक्सलेशन है, एक्सलेशन ऑफ बॉल, बी हो गई आपकी बॉल, बी आपका हो गया बॉल, बी बॉल हो गया, यहाँ पर एल हम बात करेंगे लिफ्ट की। तो बॉल का एक्सलेशन है जी, जी कहाँ को है, जी कहाँ को है, जी है नीचे को, जी माइनस जे कैप मान लेते हैं। चलो एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट ऊपर को है ए जे कैप, तो बेसिकली क्या हो गया ए प्लस जी माइनस जे कैप, ए प्लस जी माइनस जे कैप। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ है कि एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो जी की जगह, जो पहले जी आना चाहिए था उसकी जगह जी प्लस ए निकल के आते हैं। तो इसको हम बोलते हैं जी अफेक्टिव, इसको बोलते हैं जी अफेक्टिव, जी अफेक्टिव, जी प्लस ए, जी अफेक्टिव, जी प्लस ए। अच्छा इधर का हो गया सबका, मिटा दूं इसको, इधर वाले में किसी को दिक्कत। हाँ नीली हो गया ये, यस सर, ठीक है। तो बेसिकली आपका फर्क क्या पड़ा, आपका जो एक्सलेशन निकल के आ गया है, एक्सलेशन सिर्फ और सिर्फ क्या निकल के आया है। अच्छा एक बात बताओ यार, एक माइक निकाल देता हूँ, अभी आवाज आ रही है क्या? यस सर, यस सर, ठीक आ रही है कि खराब आ रही है, मतलब पहले मैंने दोनों माइक लगाए थे, ठीक ही आ रही है, ठीक है। चलो देखो तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। जी की जगह क्या काम कर रहा है, जी की जगह पर जी प्लस ए काम कर रहा है। पहले क्या कर रहा था, अगर ये ग्राउंड टू ग्राउंड होता जी काम करता, बेसिकली एक्सटेंशन क्या होता है जी माइनस जे कैप नीचे को होता, अब क्या काम कर रहा है जी प्लस ए, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, ये काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। जी इफेक्टिव क्या होता है, देखो जी इफेक्टिव क्या होता है, जी इफेक्टिव आ जाएगा आपका जी प्लस ए, अगर लिफ्ट जा रही है, लिफ्ट ऊपर को जा रही है ए से, जी इफेक्टिव इतना काम करेगा, जी इफेक्टिव काम करेगा जी माइनस ए अगर लिफ्ट जा रही है नीचे को। बताओ अगर नीचे को जाएगी तो माइनस जे कैप लग जाएगा, माइनस जे कैप लग जाएगा तो आप समझते हो ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, जब यहां माइनस कॉमन लोगे तो जी माइनस ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर लिफ्ट, अच्छा एक बात ये बताओ, कभी वो उसमें बैठा हो गया, कौन सा झूला होता है गोल 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 राउंड राउंड, वो जो सर्कस में आता है बहुत बड़ा वाला, फेरिस व्हील, मैं हैं फेरिस व्हील, ये जायंट रे, हाँ कोई तो व्हील होता है वो, जायंट व्हील टाइप का कुछ होता है ना, वो बैठे हो गया? हाँ भाई सर, बैठो। अरे वो उस झूले में बैठे हो गया, वो जो बड़ा सा व्हील होता है, सर्कस में आता जो अन्वेषा, सर टेक्निकली उस पे नहीं बैठी बट उस तरीके के किसी झूले में बैठी। उस तरीके कौन सा होता है, वो एक शिप टाइप की होती है, एक नाव टाइप की होती है,
भाई नाउ टैंकी पर पूरा 360 जाती है, पता नहीं थोड़ा अलग। हाँ, बात वही है। हाँ। अच्छा कभी ये गौर किया है क्या, जब आप ऊपर को जाते हो तो भारीपन लगेगा, लेकिन जब आप नीचे को आ रहे होगे ऐसा लगेगा कि मतलब अंदर से वो वेटलेसनेस वाली फीलिंग आती है क्या, कुछ हल्की सी? हाँ सर आती है। तो समझ में आया कि अंदर का भी ऐसा लगता है फ्लूइड व्लूइड सब ऊपर को आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? देखो पहले तो आप पर क्या करता है, नॉर्मली आपका मेरे पर जो काम कर रहा है वो mg काम कर रहा है, एक मेरे पर फोर्स लगा हुआ है mg, ग्रेविटी लगा रही है, एक ये जमीन लगा रही है ऊपर को नॉर्मल, क्योंकि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पर है, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पर है तो उसको बैलेंस तो होना ही है, ठीक है, वो फोर्सेस की बात है और न्यूटन लॉ की बात है। एक नॉर्मल लगा रखा है, नॉर्मल एक रिएक्शन लगा होता है, एक रिएक्शन ऊपर को लगा होगा, एक mg लगा है, mg जो है वो फील्ड फोर्स होता है, आप हवा में हो तो भी लगेगा, आप हवा में नहीं हो ग्राउंड पर खड़े हो तो भी mg लगेगा, ठीक है, आप छत से गिर जाओ जब तक आप हवा में हो सिर्फ आपको एक फोर्स लग रहा होगा mg, आप पर ग्राउंड का रिएक्शन तो लगेगा नहीं, ठीक है, तो आप बैलेंस नहीं हो, और अगर बैलेंस नहीं हो तो आप एक्सेलरेशन में हो, अगर आपको फोर्सेस बैलेंस नहीं है तो नेट फोर्स है, अगर नेट फोर्स है तो नेट फोर्स इक्वल टू ma, ये अगले चैप्टर की कहानी है, तो एक्सेलरेशन तो आया ही आएगा। तो जब आप हवा में रहते हो कोई भी प्रोजेक्टाइल आपने हवा में फेंक दिया उस पर एक्सेलरेशन सिर्फ एक होगा, ये फोर्स एक लग रहा है mg इक्वल टू ma, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस वगैरह को हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ उस पर एक ही फोर्स लग रहा है mg नीचे को, इसलिए उसका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे को जी रहता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, हम सारी डिले बात कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जरा ढंग से देखो क्या कर रखा है, प्रॉपर वेक्टर फॉर्म से चल दिया है, एक्सेलरेशन ऑफ v माइनस एक्सेलरेशन ऑफ l, बॉल का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में तो जी ही रहेगा, कुछ कर लो या लिफ्ट के अंदर ऐसे हवा फेंक दिया, लिफ्ट थोड़ा ना फोर्स लगा रहे, लिफ्ट तो तब तक फोर्स लगाई जब वो लिफ्ट के कॉन्टेक्ट में है या आपके हाथ में है, आपके हाथ में है तो ये इस पर लग रहा होगा कॉन्टेक्ट, ऊपर वो लग रहा होगा रिएक्शन, कुछ फोर्स ऊपर को आएगा, एक mg आएगा एक ऊपर को आएगा, लेकिन जब तक ये हवा में है छोड़ दिया है, हवा में है, हवा में है तो तब तक तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है mg, तो वही चीज है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एक्चुअल में होता है जी माइनस जे कैप, तो सेम चीज, तो ये चीजें हो जाएंगी आपकी, ठीक है। हाँ भाई पार्थ, पार्थ अरे पार्थ पार्थ यस सर, क्या हो गया, बड़ी देर से आना हो रहा है सर, मैसेज लेट देता। अच्छा मैंने कहा कहीं दबंग की तरह तो नहीं बोल लो, कहीं स्वागत नहीं करोगे हमारा, है ऐसा तो नहीं है कुछ, देर से मतलब सलमान खान बन के आ रहे हो और सलमान खान की तरह आपके कुछ चलो देखो ये हो जाएगा आपका, तो बेसिकली रेंज क्या हो जाएगा, रेंज या फिर एक काम करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से चालू करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है 2u sin θ / g, तो g की जगह पर g इफेक्टिव काम पर आ जाएगा, रेंज होता है u² sin 2θ / g, जी की जगह पर g इफेक्टिव काम पर आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट होता है u² sin²θ / 2g इफेक्टिव। ये समझ में आया कि भाई इस बार आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालना है, क्योंकि सारी चीजें आप विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, आपकी ऑब्जर्वेशन जो है टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज हाइट वो हमेशा पूछेगा आपसे विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर क्या हो रहा है, तो यू तो उसने पहले ही बोल दिया है, यू ऑलरेडी देगा, यू बोलेगा वो पहले से वेलोसिटी है पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, इस बार आपको एक्सेलरेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब एक्सेलरेशन में क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कैसे निकलेगा, ab - al, तो ab क्या होगा, बॉल का एक्चुअल एक्सेलरेशन सिर्फ ग्रेविटी के कारण है, लिफ्ट से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए g - j कैप, ऊपर को पॉजिटिव मान लिया, ऊपर को प्लस का जे कैप मान लिया मैंने, तो माइनस जे कैप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ये इतना हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट अलाउंस में आप अभी भी नहीं भी पढ़ोगे 5-6-6 बार, ना ज्यादा आएगा 7-8 बार आएगा,
ये कौन सा है? ऐसे जब मैं बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। वैसे मैं ये जेपीएन सर पढ़ाएंगे आपको न्यूटन्स लॉ, ये तो मैं न्यूटन्स लॉ में समझाता हूँ ये चीज, क्योंकि वहां पर फोर्सेस दिख जाते हैं आपको, फोर्सेस से डीलिंग होने लगी आपकी। नीली समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो कल सुबह वाला लेक्चर आपका कैंसिल ही है, फिर अभी ले लेता हूँ है ना, थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ, बाकी अगले हफ्ते खत्म ही कर लूंगा रिलेटिव मोशन, उसके अगले हफ्ते आप जेपीएन सर की क्लास ज्वाइन कर लोगे प्रोबेबली, नहीं तो शायद न्यूटन अगर सर बोलेंगे तो स्टार्टिंग का मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, बेसिक बेसिक कोर्सेस क्या होते हैं वगैरह वगैरह उसकी जानकारी मैं दे दूंगा। सर एडीएस सर ने बोला था कि और टाइम लगेगा मर्ज करने, कितना टाइम लग जाएगा बताया नहीं, कितना टाइम उन्होंने बोला, बहुत टाइम। अब बहुत कितना होता है, चलो देखते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे सात बच्चों का बैच है, तुम्हारा तो अभी तुम्हें फायदा उठाना चाहिए ना यार, फिर तुम बैच में ज्वाइन हो गए उसके साथ एसी कोर्स के साथ ज्वाइन हो गए, पीसी वन के साथ ज्वाइन हो गए, पीसी वन में शायद 30 बच्चे होंगे शायद, तो वहाँ फिर ऐसे मैं बोल नहीं पाऊंगा ना, यहाँ जेपीएन सर भी नहीं बोल पाएंगे कि बच्चे पर फोकस करना मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत ही होती हो। तो सर आप ही कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे? हाँ सर, अरे उसमें सर आप ही रहो ना, अरे उसमें होगी यार दिक्कत होगी उसमें, क्योंकि मेरे ख्याल से वो शायद इंस्टीट्यूट को भी फाइनेंशियली वायबल चीज नहीं होगी, और दूसरी चीज ये भी होगी, मैंने अपना काम लिमिटेड मांगा हुआ है, मैंने सबसे कह रखा है हफ्ते में मेरे को 15 घंटे काम चाहिए, तो मैं दो ही बैच पकड़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 18 अक्टूबर को मेरा भी एग्जाम है तो मैं भी अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, देखो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डिसाइड करते हैं, अगर ऐसा रिक्वायरमेंट हुआ आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे देख लेंगे, लेकिन कोशिश करो वहाँ भी ज्वाइन कर लोगे तो जेपीएन सर पढ़ाएंगे आपको, ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे से, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी हूँ तो वो पढ़ा लेंगे। कोशिश करना है आप, देखो क्या है, अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो या फिर मतलब टारगेट क्या है आपका, अगर आईआईटी ही जाना चाहते हो तो आपका फंडामेंटल चीज क्या होनी चाहिए, आप एक्सरसाइज 2 और तकड़ी कमांड 1, तो मतलब फेल होना चाहिए आपके, एक्सरसाइज 1 फेल होना चाहिए, एक्सरसाइज 2 पर अच्छी खासी कमांड, मतलब अटैकिंग अप्रोच होनी चाहिए यार, लाओ आप क्वेश्चन लाओ, क्योंकि अलोन्स में फिजिक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करो, 12th में मैथ पर करो, केमिस्ट्री बैलेंस रखो, ठीक है, अलोन्स में मैथ को हल्का थोड़ा सा कम नहीं दोगे ना, लेकिन अलोन्स में फिजिक्स को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना कंपेयर टू बाकी दो सब्जेक्ट के, 12th में फिजिक्स को लॉन्ग कर देना, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल कर लोगे बड़े आराम से, यानी अलोन्स में टाइम देना, ये सब चीज़ें समझ जाओगे ना 12th बहुत आसान लगेगी, 12th के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में क्या होता है वो मैकेनिक्स लेके आता है, क्योंकि वेरिएशन कुछ है नहीं, एमजी की जो क्यूई फोर्स आ जाएगा कोई दूसरा फोर्स आ जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन मैकेनिक्स से लेके आता है, तो आपके अभी के यहाँ से 3-4 महीने बड़े क्रूशियल हैं, 3-4 महीने अगर आप मैकेनिक्स पर फोकस कर लो रोटेशन पर, रोटेशन SHM, बस उसके बाद मामला बहुत स्मूथ चलेगा आपका, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान है, बाकी सब आसान है, मतलब रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं अभी यहाँ जब मैं पढ़ा रहा था एक करके आ रखा 24-25 में से 24 क्वेश्चन करके आ रखा है मेंस में, टॉपर बंदा है वो, यहाँ लोकली कोचिंग है हमारी कोई इतना नहीं है, तो 75 में से 70 क्वेश्चन करके आ रखा है उसकी परसेंट ठीक है, उस 99.8 था वो पहले वाले अटेम्प्ट में,
परसेंटेज भी ठीक ठाक, उसकी 98 पॉइंट समथिंग है, 98.4 है कुछ ऐसी है, मतलब वो तेज है, मतलब डिसिप्लिन बच्चा है वो। बाकी जो ऑन एन एवरेज जो ठीक ठाक है, जो मेहनत करते हैं, वो भी परसेंटेज में 96 पॉइंट रखती है, परसेंटाइल में भी 98-99 में घूमे हुए हैं। तो मेंस के लिए तो वो है 2010 के बाद के प्रीवियस ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, कमान लानी चाहिए। लेकिन अगर आईआईटी ही जाना चाहते हो, भैया आईआईटी ही करना है, वहीं जाना है, वहीं से करना है बीटेक, तो उसमें वो कमांड होनी चाहिए भैया प्रीवियस ईयर आपके लिए बैकअप है। तो दिशा पब्लिकेशन की आदि ना, उसमें सब दिया हुआ है, आपका रेजिडेंस की थर्ड एक्सरसाइज में भी होगा, लेकिन उसमें बहुत पुराने नहीं होंगे। मैंने अभी रिसेंटली जो ऑब्जर्व कर रखा है वो ये है, जो 90s क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, उन्हीं को ऑब्जेक्टिव करके दे रहे हैं, सब्जेक्टिव को कॉन्सेप्ट वही रखना है। तो पहले सब्जेक्टिव क्या होता था, 10 नंबर का सब्जेक्टिव है यार, मतलब 10 क्वेश्चन मिला के 100 नंबर हो जाएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा तो शायद 16 क्वेश्चन देंगे या 17 क्वेश्चन देंगे, तो ऐसा होता था, चॉइसेस होती थी। तो कुल मिला के 16-17 में से 10 क्वेश्चन करने होते थे, 100 नंबर का पेपर बना, उसमें से भी बच्चे 3-4 क्वेश्चन कर पाते थे, 4-5 क्वेश्चन में काम बन जाता था। अब देखो 10 नंबर वाला क्वेश्चन दिया था मैंने पिछली बार, तो अब बच्चे एडवांस हो गए हैं, वही चीज अब 10 नंबर की वो 4 नंबर में देते हैं लोग, एडवांस वाले 2 पार्ट बना लेंगे, रेंज भी निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालो, तो कहानी हो जाती है। हाँ भाई बहुत हो गया मोटिवेशन की बात है, आगे बढ़ते हैं। चलो सर बुक कौन सी सॉल्व करनी है शीट के अलावा? यार शीट के अलावा कोशिश करो पहले तो मेंस में कौन लाओ, मेंस वाले के लिए प्रीवियस ईयर 2010 से लेके जितने मिल रहे हैं, ऑनलाइन वाले ज्यादा अच्छे हैं, ऑफलाइन के लिए कंपेरिजन है, ठीक है। ऑल्दो पहले तो रेजिडेंस की सीट वगैरह बहुत है, अपने आप में सफिशियंट है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे ना कॉन्फिडेंस आएगा यार, पिछले 4-5 साल के सॉल्व कर लिए तो छठे साल क्या डिफरेंट हो जाएगा, वही अप्रोच होती है और क्या। 6 साल के मेरे पास सॉल्व मैंने कर लिए, मेरे कमांड है, तो 7वें साल क्या डिफरेंट हो जाएगा यार, पेपर उसी पैटर्न पे चलना है जिस तरह इस साल जो चला है वही अगले साल चलना है, ठीक है। सर एडवांस बहुत ज्यादा है, एडवांस के लिए कौन सी बुक? हाँ एडवांस के लिए यार, एडवांस के लिए तो आपका रेजिडेंस का फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, मतलब आप एक्सरसाइज 2 और वो पीछे एक ALP आती है क्या, अभी वाली सीटों में ALP आ रही है एडवांस लेवल प्रॉब्लम पीछे? हाँ सर HLP। हाँ कुछ हाई लेवल पहले तो ALP करके आती थी वो, जो भी है वो चीज, वो और एक्सरसाइज 2 आपकी बहुत अच्छी है, तीसरा प्रीवियस ईयर बस। लेकिन सोचना आज सॉल्यूशन मत देखना, तो गेम वही है वहां पर, अगले साल फिर नया क्वेश्चन देगा। देखो 100% में से 40% क्वेश्चन वो होता है जो आप देख के कर लोगे, हाँ यार मेरे को आता है, आपने अगर प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, 40-50% ऐसा क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर आप, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी नहीं है ना, तो बाकी आप 50% में हाथ भी नहीं लगा पाओगे। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर को ऐसे देख रहे हो यार मेरे को, मैंने थ्योरी पढ़ ली है अब मेरे को दिमाग लगाना चाहिए, फोकस करो, इसने क्वेश्चन बना रखा, मेहनत कर रखी है, तो वो नहीं चाहता ना, आप सॉल्यूशन देख के उसको करो, आप दिमाग लगाओ, एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, लगेगा कुछ तो क्लिक करेगा, कुछ तो नया क्लिक करेगा, दिमाग डेवलप करो। अलोन 12th किया, ये अलोन बहुत क्रूशियल स्टेज है, 12th तो ठीक है हमारे मतलब की नहीं है, फिजिक्स का मतलब की तो बिल्कुल नहीं है, मैथ का मतलब की है, ठीक है, क्योंकि हमारा खेल 11th में, फिजिक्स का खेल 11th में। चलो देखो इसका आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस ईयर है उसमें 90s से क्वेश्चन ले लो, 90s से आगे के जितने एडवांस के क्वेश्चन आए IIT के वो कर लो। सर HC वर्मा सॉल्व कर सकता है? यार HC वर्मा का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो रेजिडेंस की एक्सरसाइज 1 है और एक्सरसाइज 2 है, तो उसमें आपका अच्छे क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, मैंने सॉल्व कर रखी है खुद से, रेजिडेंस की सीट सॉल्व कर रखी है पूरी 2015 में, तो उसमें डाले हुए हैं HC वर्मा के, इरोडो के अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं, इरोडो के भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 2 और हाई लेवल वाले में, तो उसमें अरे बहुत अच्छी सीट बनी हुई है वो, हल्के में होते ना उसको। और सर आप प्रीवियस चैप्टर का HLP डिस्कस करेंगे रेक्टिलिनियर का? कर लूंगा, लेकिन 10 में से मेरे को 2 डाउट चाहिए, आप उस लेवल के तो बन जाओ, 10 में से मेरे को 2 डाउट चाहिए बस, 2-3 डाउट डिस्कस करूंगा, लेकिन 7 क्वेश्चन खुद से होने चाहिए, उस लेवल पर आ जाओ मैं डिस्कस करने को तैयार हूँ, ठीक है सर, अगर हो रहे हैं तो मैं करने को तैयार हूँ। ऑल दो अगर आप एक्सरसाइज 3 कर ले रहे हो खुद से,
तो आप उस लेवल के हो, ठीक है ना, कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताओ भाई, देखो इसका आगे क्या होता है, नैतिक। हाँ सर। ये प्रोजेक्टाइल लिफ्ट के अलावा क्या देखा, अगला टॉपिक क्या देखा सर? आपके मॉड्यूल के हिसाब से चलता हूँ। रिवर टॉपिक क्या दिया हुआ है? रिवर्स फ्लो। रिवर्स फ्लो दे दिया क्या इतनी जल्दी? हाँ सर। कोलिजन बाद में दिया होगा फिर, मतलब या कोलिजन करा दूं पहले? चलो रिवर्स फ्लो करते हैं, रिवर्स फ्लो भी अच्छा है। देखो तो सही, डूबोगे की बचोगे। तो देखो रिवर्स फ्लो का क्या कहानी है, सबसे पहले अलोंग द स्ट्रीम, अगर आप नदी के अलोंग ही तैरना चाहते हो। अच्छा ये बताओ यहां से कितना क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखो सबसे पहला वाला है आपका रिवर्स फ्लो में अलोंग द स्ट्रीम। तो अलोंग द स्ट्रीम में क्या होगा, ये वाली प्रॉब्लम 10th क्लास प्रॉब्लम है। इसमें ही पहला पार्ट है डाउन द स्ट्रीम। उससे भी पहले बात है, दो चीजें दी होंगी आपको, हमेशा दो चीजें तो दी होंगी, यू और वी। यू को हम मानते हैं वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम मतलब नदी की क्या वेलोसिटी है, नदी किस रेट से, नदी का बहाव क्या है, ठीक है। यू हम उसको मान लेते हैं, वी मानते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन स्लैश बोट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम। नदी के रिस्पेक्ट में इंसान या बोट कितने से तैर सकती है, ठीक है। तो देखो नदी के रिस्पेक्ट में, अच्छा मैं बस के रिस्पेक्ट में कितने से चल सकता हूँ? हाँ भाई नैतिक, मैं बस के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू बस, मैं ज्यादा से ज्यादा कितना तेज चलूंगा? 1 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 1 किलोमीटर चलूंगा क्या? थोड़ा लॉजिकल साइंस मारो यार, 4.55। ये कहां से कौन सा डेटा कलेक्ट करके लाया, नासा वासा ने देखा है? एक घंटे में यार मैं, हाँ ठीक है 5 किलोमीटर तो चली जाऊंगा मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो जो ग्राउंड में चलता हूँ वैसे ही मैं फिलहाल बस में, विद रिस्पेक्ट टू बस में अगर चलना चालू करूंगा तो मैं 5 किलोमीटर पर आवर चल जाऊंगा। लेकिन अगर मेरी बस चल रही है 50 से, मैं 5 से आ रहा हूँ बस के अंदर, 5 से आ रहा हूँ, बस जा रही 50 से, तो मेरी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी होगी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितने से चल जाऊंगा? 55 किलोमीटर पर आवर। 55 से समझ में आता है क्या? हाँ नीली, ये समझ में आता है? Yes, sir. बस चली 50 से, बस तो 50 से जा ही रही है, उसको ऊपर मैं चल रहा हूँ 5 से, तो मेरी पोजीशन बस के हिसाब से तो है, प्लस अपनी भी है चल रही है, तो वैसे भी ये समझ में आता है वेलोसिटी ठीक है। आपको ये दो इंफॉर्मेशन दी होती है, आपको बताता हूँ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम, velocity of boat या फिर man with respect to stream, ये क्या होती है with respect to stream, ये क्या होती है velocity of boat minus velocity of stream। velocity of boat आपको दे रखी है v vector, ठीक है, with respect to stream आपको दे रखी है v vector, velocity of boat आपको निकालनी है माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, ये दे रखी है। तो एक्चुअल में क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो जाएगी, वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर। इस चीज को देखो, जो एक्चुअल में बोट की वेलोसिटी है वो उन दोनों का सम होगी। अब मान लो बस जा रही है 50 से और मैं पीछे को आ रहा हूं 5 से,
बस 50 से जा रही है, पीछे को आ रहा हूँ 5 से, तो एक्चुअल ग्राउंड फ्रेम में कितने से जाऊंगा? नीली नीली यस सर, अगर बस जा रही है 50 किलोमीटर पर आ रहा हूँ, बस के अंदर मैं 5 से पीछे को आ रहा हूँ, तो एक्चुअल में मैं कितने से जा रहा हूँ, किधर को जा रहा हूँ? 45 से आप आगे को जा रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है, इन दोनों का सम है, लेकिन वेक्टर के तरीके से है। बस आप जा रही आगे को, अगर आगे को पॉजिटिव मानते हो तो प्लस का 50 प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस का 5 तो प्लस का 45 आ जाएगा, तो आप 45 से आगे को जा रहे हो। तो बेसिकली उन दोनों का वेक्टर रेडिएशन है, ठीक है? अगर यही है, ये बेसिक फंडामेंटल है वेलोसिटी ऑफ बोर्ड का, ये वीवर फ्लो का बेसिक यही है। अगर ये चीज समझ में आ गई, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई ग्राउंड फ्रेम में वो अपनी जो रिवर के रिस्पेक्ट में वो तो लेगा ही लेगा, प्लस रिवर की भी लेगा, ठीक है? ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम, या फिर बोलेगा आपका ऐसा कुछ बोलेगा, velocity of man in still water, रुके हुए पानी में क्या velocity है? रुके हुए पानी में 5 किलोमीटर से तैर रहा हूँ और पानी भी चलने लगा 4 से, तो मैं एक्चुअल में ग्राउंड फ्रेम में मैं 9 से भागूंगा ना, 9 से भागूंगा। तो वो चीजें की बात है, इसमें बात कर रखी है आपको, ठीक है? तो ये है, इसको यहीं पर रखते हैं। अब आ जाते हैं पहले पार्ट पर कि भाई velocity along the river, along the river, along the river में भी दो केसेस है। पहला है downstream, downstream में velocity कितनी हो जाएगी? हाँ नीली, downstream में मैं कितने से भागूंगा? अगर मैं नीचे को जा रहा हूँ, down the stream जा रहा हूँ, नीचे को तैर रहा हूँ, तो मेरी velocity add होगी, add हो जाएगी, 10th class में पढ़ा होगा ही, है ना? तो v plus u काम होगा, ये हो जाएगी velocity of man या फिर बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्चुअल वेलोसिटी, ठीक है? नदी के किनारे खड़े हुए बंदे को ले गया, वो इतने से जा रहा है। अच्छा, डाउन अपस्ट्रीम में कितने से जाएगा? अपस्ट्रीम में कितने से जाएगा? अपस्ट्रीम में कितने से जाएगा भाई? अगर ऊपर को जाना चाह रहा है, अब डिपेंड करेगा ऊपर को जा भी पाएगा कि नहीं जा पाएगा। नैतिक, यहाँ एक काम करो, पार्ट आया क्या इंसान? पार्ट यस सर। ऊपर को कितने से जाएगा सर, एक बार रिपीट करना। सर मैं समझा नहीं। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, नदी की वेलोसिटी इतनी है, वी वेलोसिटी ऑफ मैन है, इंसान की वेलोसिटी इतनी है, ठीक है, या बोट की इतनी है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम, तो वो एक्चुअल में कितने से जा पाएगा अगर ऊपर को जाना ही है तो? उसको अन्वेषा जरा कंडीशन को जरा सॉल्व करो यार, इसको मतलब बताओ जरा, इसमें क्या होगा, ऊपर को जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? सर अगर U ज्यादा हुआ V से, तब ऊपर नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, हाँ। ठीक है ना, समझ में आता है? या ऊपर को तभी तैर पाओगे आप जब आपकी नेचुरल रुके हुए पानी में अगर आप तैर सकते हो, मैक्सिमम 5 से जा सकते हो और नदी की स्पीड है 4, तो आप 1 से ऊपर को जा सकते हो अगर आप बिल्कुल ही एंटी पैरेलल चलो तो। अगर रिवर की 5 है, आपकी 4 है, कुछ कर लो ऊपर को जा नहीं पाओगे, आपको नीचे को आना ही पड़ेगा। तो अपस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी? V इंसान की, पानी के रिस्पेक्ट में, माइनस U, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन। कहाँ से आ रहा है? यहां से आ रहा है, इंसान जा रहा है ऊपर को पॉजिटिव मान लिया, प्लस पानी है नीचे को, तो माइनस का U, ठीक है ना? ये हो जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ सेम है, इसको कॉपी कर लेना, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हो गया आपका। ये वाला कॉपी कर लिया इधर वाला? यस सर।
देखो अलोंग द रिवर की प्रॉब्लम आपने मैथ में करी होगी, करी थी मैथ में, आया होगा ये प्रॉब्लम्स है ना, एक इंसान नीचे को जा रहा है इतने से, एक इंसान ऊपर को आ रहा है इतने से, कर रखी है प्रॉब्लम। यस सर। अच्छा ये बताओ, सात लोग हो तुम लोग, जिनमें से किसी के पास इरोडो है क्या, घर में इरोडो पड़ी है? यस सर। किस पर पड़ी है? यश ना, पार्ट्स पर है। अच्छा पार्ट, एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर टू पढ़ के दिखाओ, इरोडो है बगल में? बगल में है? बगल में नहीं है सर। तो कोशिश करो ले आओ। ओके सर। है ना, उसको ले आओ, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ यार। अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का अलोंग द रिवर, नदी में नीचे जाओ ऊपर जाओ, उसका बस एक ही क्वेश्चन कराऊंगा जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। वो समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया, उसके अलावा कोई लेवल ही नहीं है। कौन सा क्वेश्चन देखना है यार? वो होगा ना उसमें इसका होगा, वो स्टील वाटर वाला कुछ होगा, 3 किलोमीटर पर आर करके होगा या 6 किलोमीटर पर आर करके होगा, पहला या दूसरा क्वेश्चन है? राफ्ट वाला होगा, राफ्ट वाला। काइनेमेटिक्स में हाँ ना, बस पहला ही क्वेश्चन इरोडो का, पहला क्वेश्चन होगा या दूसरा क्वेश्चन होगा? देखो राफ्ट वाला कोई क्वेश्चन है क्या, 3 किलोमीटर पर आर या 6 किलोमीटर पर आर? स्टार वाला है कोई, इरोडो है, आई इरोडो। यस सर, आई इरोडो भी है। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला या दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन, ऑल द स्टार्स इन पर्टिकुलर सर्टेन स्टार एंड आर मूविंग फ्रॉम द सन सर, वो नहीं है, दूसरा है। ना ना, पहला पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। मोटर बोट इज गोइंग डाउनस्ट्रीम ओवर ओवर केम राफ्ट एट पॉइंट ए, पाई इज क्या क्या दरख्त है बताओ। हाँ भाई पढ़ के सुनाओ सर, मैं ग्रुप में डाल लो, ग्रुप में डाल दो। अच्छा एक बार बताओ, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे 10th क्लास में? हाँ नैतिक। हाँ सर। 10th क्लास में इस पर क्वेश्चन कर रखे हैं, v प्लस u v माइनस u पर? यस। प्रॉपर क्वेश्चन रखे ना, जो नीचे जाने में 1 घंटा लेता, ऊपर आने में इतना लेता, तो बताओ v कितना होगा, u कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन किया है? हाँ। निली सर, क्वाड्रेटिक में किए हैं। हाँ वहां भी किए होंगे, मतलब मैथ में वो जहां भी आता है प्रॉब्लम, हाँ क्वाड्रेटिक में आती है। हाँ हाँ, नाइन्थ में भी चेक कर ना, टेंथ में? हाँ ना, ये वो हो गया क्वेश्चन ऑफ द डे, करके दिखा दो लिटरली, अगर आपने कर लिया मतलब आप हो, मतलब दमखम है। ठीक है तो हम अब आते हैं अक्रॉस द रिवर, अलोंग द रिवर तो हो गया, अक्रॉस द रिवर चलते हैं सर। हाँ बोलो। डाल दिया सर को। हाँ ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ इस पर आपकी कमांड है, तो आप ये घर से ट्राई करोगे, एक दिन का समय है, एक दो दिन का, जो अगले टाइम टेबल में जो पहला लेक्चर होगा वहां हम डिस्कस कर लेंगे इसमें। हाँ भाई, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर क्या होगा? इस बार रिवर के अलोंग नहीं जाना, टेढ़ा चलना है। तो ये बी केस हो गया आपका, अक्रॉस द रिवर। देखो इसमें भी दो केसेस होते हैं, लेकिन पहले मैं जनरलाइज केस बता रहा हूं। देखो करंट तो बहेगा ऐसे करके, करंट की तो यू है, पानी तो यू से बह रहा है। ठीक है, आप जा रहे हो, आप जा रहे हो वी से, एंगल थीटा पर आप जा रहे हो, वी से एंगल थीटा पर। वी किसके रिस्पेक्ट में? पानी के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वी भी होगा और यू भी होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वी भी होगा और यू भी होगा। आपका आप रुके हुए पानी में ऐसे तैर सकते हो, वी से, क्या सकता वी से तैर सकते हो।
तो वी को क्या करोगे, पहले तो वी को तोड़ दो, यहां को आएगा v का cos थीटा, यहां को आएगा v का sin थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इधर को v का cos थीटा, इधर को v का sin थीटा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको x एक्सिस मान लूं, थोड़ी देर के लिए इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, x और y मान लेते हैं इसको, तो एक बात बताओ x में एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है, ग्राउंड फ्रेम में इंसान की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है? नीली नीली यस सर, एक्स एक्स में कितनी वेलोसिटी होगी इंसान की, एक्स में कितने से जाएगा? वी कॉस थीटा। पानी तो कुछ करेगा ही नहीं, पानी तो खाली भिगाने का काम करेगा, है ना? अरे पानी तो बहेगा, ये रुके हुए पानी में इतनी है, रुके हुए पानी में v is the velocity of river, velocity of man with respect to river। जब भी आप with respect to something बोल देते हो, मतलब उसको रोक देते हो, ठीक है? आप इंटेलिजेंट हो दूसरे बच्चे के रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में तो आप नेगेटिव में चल रहे हो अभी, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है ना? तो डिपेंड करता है। तो ये कहानी आपको जो दे रखी है, ये विद रिस्पेक्ट टू, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, रिवर के रिस्पेक्ट में, यानी रिवर को रोक दो तो आप इतने से चल रहे हो। अब रिवर भी चल ली, अब रिवर भी चल ली तो दोनों का लेके चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, चलेगा, है ना? तो यू भी आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, बताओ वी वाई में कितनी है, वी वाई में कितनी है, वी का साइन थीटा बताओ, ठीक है? ये क्या है, इस स्पीड से वो नीचे को जा रहा है ग्राउंड फ्रेम में, जो नदी किनारे इंसान होगा वो देखेगा कि इस स्पीड से जा रहा हो, खाली वी कॉस थीटा नहीं बताएगा, वी कॉस थीटा तो स्विमिंग पूल में खड़ा हुआ इंसान बताएगा जब पानी रुका हुआ है, लेकिन अगर वही पानी बहने लग जाएगा तो खाली वी कॉस थीटा थोड़ी ना भागेगा। आप इसको ऐसे देखो, एक्सेलरेटर में जो बात होती है, आप मुंबई एयरपोर्ट पर आते हो, मुंबई एयरपोर्ट पर वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, मूविंग प्लेटफॉर्म टाइप का, वो क्या बोलते हैं उसको, अपनी खुद की दस है, तो आप उसमें अगर चलना चालू करोगे तो आपकी 15 से चलोगे कि चलोगे? हाँ, वही चीज है। तो यह वी स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू रुका हुआ प्लेटफॉर्म, विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, आपको लैंग्वेज बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर या फिर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोलने का मतलब ये हो गया रिवर को रोक दिया है, तब इसकी स्पीड इतनी है, या फिर v is the velocity of boat या man in still water, दोनों का मतलब एक ही है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। नैतिक, ये बताओ कितने समय में क्रॉस करेगा, कितने समय में क्रॉस करेगा? डी अपॉन बी साइन थीटा। टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर कहां से आएगा, वाई डायरेक्शन से, वाई डायरेक्शन से कितना आ जाएगा, डी अपॉन ऊपर वो एक्सेलरेशन कुछ नहीं है यहाँ पर, इस बार एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, कॉन्स्टेंट सब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो डी अपॉन बी साइन थीटा, ठीक है? तो ये तो हो गया टाइम टू क्रॉस रिवर, एक चीज तो ये पूछता है नॉर्मल क्वेश्चन, दूसरा कहता है कि यार यहां से कितना नीचे को ड्रिफ्ट हो गयो, ड्रिफ्ट ये होता है ड्रिफ्ट, कि जहां से स्टार्ट किया है वहां के अपोजिट पॉइंट से नीचे कितना बह के आ गए हो। अन्वेषा बताइए जरा क्या होगा इसका, ड्रिफ्ट कितनी आएगी? सर v cos थीटा प्लस u इनटू t। हाँ, ड्रिफ्ट आएगी v cos थीटा प्लस u, x में इतनी स्पीड है इनटू समय कर लो। सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये है जो बोर्ड में आती है, जो आपका नीट में आती है, नीट में भी ऐसे सिंपल सिंपल, अपने को कोई मतलब नहीं है, जेईई मेंस में बहुत आसान प्रॉब्लम है, आ रही है वैसे ऐसी प्रॉब्लम आजकल, बेइज्जती करा रहे हैं जेईई मेंस वाले, आने ही चाहिए, आ जाती है, अपने को इससे आगे बढ़ना है, अपने को तो इससे आगे बढ़ना है।
इसके अंदर आया पहला केस, क्रॉस द रिवर इन, क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, मिनिमम, क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, कम से कम कितने समय में इसको क्रॉस कर पाओगे? विनीत बताओ कैसे निकालोगे इसको, ये रिवर को कम से कम समय लेना है तो कितना समय लोगे? सर थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा 90? स्कूल में रेड लिया है क्या? स्कूल हो गया, चालू हो गया स्कूल? नहीं सर, सर हम कॉलेज में हैं। यार एक तो मुंबई का समझ में नहीं आता, बाकी सब जगह तो 12 क्लास 12th तक मतलब स्कूल होता है, मुंबई में तो मेरे ख्याल से 10th के बाद कॉलेज चालू कर देते हैं शायद। कोई बात नहीं, यहाँ देखो, इसको देखो, कोई फॉर्मूला नहीं है तो यार रटता नहीं है, देखो कैसे आया है, समझो तब ना कितना रटोगे, रटने का काम केमिस्ट्री का, फॉर्मूले रटने का काम मैथ का, फिजिक्स में ना फॉर्मूले है ना रटने का कुछ ज्यादा, थ्योरी तो है ही नहीं ना के बराबर 12th के एंड में। तो कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, ये आया यार, इसको मिनिमम करना है, इसको मिनिमम कब करूंगा मैं? डी मेरे पास डिस्टेंस, रिवर की जो विड्थ है वो फिक्स है, मैं जितना हाथ पैर मार सकता हूँ वो फिक्स है, इससे ज्यादा तेज तो नहीं भाग सकता। साइन थीटा पे आप खेल कर सकते हो, थीटा आप वेरी कर सकते हो, तो आप ऐसा करो, टाइम अगर मिनिमम करना है मतलब ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये मैक्सिमम होगा, अब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, तो टी को मिनिमम करने के लिए इसका मतलब है साइन थीटा को आपको मैक्स करना पड़ेगा, मतलब 1 करना पड़ेगा, यानी थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी मिनिमम की वैल्यू डी अपॉन वी, यानी आप तैरोगे ऐसे करके, वी ऐसे है, यू ऐसे है, अब यू से ऐसे जाओगे, वी से ऐसे जाओगे, एक्चुअल में कहां को, अच्छा इस केस में एक्चुअल में कहां को जाओगे नैतिक? हाँ सर, पानी के रिस्पेक्ट में वी से जा रहा है, पानी भी यू से चल रहा है, तो एक्चुअल में कहां को जाएगा सर? वो राइट वाले डायरेक्शन में, स्लैंट डायरेक्शन, राइट वाले डायरेक्शन में, कैसे करोगे? एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, v और u का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम वेक्टर जानते हो, पैरेललोग्राम एडिशन जानते हो, v और u, ये करके यहां को जाएगा कहीं, ये इसका पाथ होगा जहां को जाएगा, जहां को रिजल्टेंट आएगा इनका, अब ये रिजल्टेंट निकालने की कहानी मैं अलग से बता दूंगा, चलो आपको आगे जाके, फिलहाल दो पॉपुलर केसेस हैं जो डिस्कस करने हैं वो ये है, एक को क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, ये समझ में आया भाई, अपनी वेलोसिटी तो है ही है प्लस पानी की वेलोसिटी है, तो जहां को नेट वेलोसिटी आएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वहां को जाए, मेरी वेलोसिटी इधर को है तो इधर को ही जाऊंगा मैं, ठीक है चलो। सेकेंड, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है, हाँ भाई विनीत, शॉर्टेस्ट पाथ में कैसे जाएगा ये इंसान? सोच रहा हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ क्या लगेगा इसको, नदी को क्रॉस करना शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ड्रिफ्ट का जीरो होना, ठीक है, टी 90 डिग्री के, ना थीटा फिर मोर देन 90 होगा ना, थीटा मोर देन 90 होगा, ये समझ में आया क्या? अगर शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है तो कुछ कर लो, देखो यार दो चीजें हैं, या तो जो एक्चुअल में केस डिस्कस कर रखा है, जो जनरल केस है,
अगर उसके हिसाब से चलोगे जनरल केस के हिसाब से तो शॉर्टेस्ट पाथ की सीधी कहानी है ड्रिफ्ट को जीरो करना। कि भाई ड्रिफ्ट जीरो हो जाए, ड्रिफ्ट जीरो होने का क्या मतलब हो गया, ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो बस एक ही चीज है कि v प्लस v cos थीटा प्लस u की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी cos थीटा माइनस u बाई v, ठीक है, cos थीटा माइनस u बाई v। अच्छा एक बात बताओ cos थीटा की, पार्थ यस तुम्हारे को माइक रहता नहीं है, तुम फिर टाइप करोगे फिर टाइम लग जाता है, ठीक है, तो पार्थ तुम ही बता दो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा के मैक्सिमम वैल्यू cos जीरो पे हाँ मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है cos के फंक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वन जब थीटा जीरो हो जाता है, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू cos थीटा की मिनिमम वैल्यू नीली cos थीटा की मिनिमम वैल्यू 90 cos थीटा की मिनिमम वैल्यू, थीटा नहीं पूछ रहा हूँ कब आएगी, मैं पूछ रहा हूँ cos थीटा की मिनिमम वैल्यू जीरो जीरो शाबाश यस cos थीटा की मिनिमम वैल्यू हाँ सर जब 90 के ऊपर जाएगा तब हाँ, और मेरे को सपने आएंगे कब नेगेटिव में, नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव में कितना हो जाएगा अन्वेषा बताओ, चलो बताओ हो गया बहुत हो गया माइनस वन माइनस वन कब होगी जब थीटा 180 हो जाएगा हाँ 180 ठीक है याद है कि नहीं है यार साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है मिनिमम जीरो नहीं होती है याद रखो माइनस वन चलता है ठीक है आप जब ग्राफ पढ़ोगे तो ग्राफ ऐसे आता है साइन थीटा का ग्राफ ऐसे आता है ऐसे करके तुम्हें ग्राफ नहीं पढ़ा है मैंने एसी टू में उन सब में ग्राफ पढ़ा दिए हैं तो उनमें उनको बता दिया मैंने वन माइनस वन चलते जाता है मतलब तो कंटिन्यूस है फंक्शन तो बेसिकली ये हो जाएगा या तो ये पुट करो u आपका कुछ दिया होगा u क्या है रिवर की स्पीड, रिवर की स्पीड 4 है इंसान की स्पीड 5 है तो 4/5 तो -4/5 पॉसिबल है ठीक है हाँ माइनस है मतलब 90 से बड़ा आएगा ठीक है इधर को तैरना पड़ेगा इधर को ऐसे तैरेगा तब जाके वो ऐसा जाएगा सीधा जाएगा जब इधर को तैरेगा तब एक कंपोनेंट को पानी के साथ कैंसिल करेगा तो सीधा जा पाएगा लेकिन इसमें भी एक केस है अगर पानी का बहाव ज्यादा हुआ अगर पानी का बहाव ज्यादा हुआ इंसान के बहाव अब यार पानी 100 की स्पीड से जा रहा है ऐसे समझो और आप 5 की स्पीड से हो क्या आपको लगता है बिल्कुल सामने पहुंच पाओगे आप नो सर मतलब उसको प्रैक्टिकली फील करो ना पानी 100 से जा रहा है आप 5 के बाद सहमत लगा देना आप अपना 5 पर रखो पानी को 100 कर लो आप कुछ कर लो नहीं जा पाओगे भाई एग्जैक्टली सामने जा ही नहीं पाओगे क्योंकि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू माइनस वन से ज्यादा हो ही नहीं सकती है और माइनस वन तब होगी जब u और v बराबर हो जाएगा या मैं भी 5 पानी भी 5 मैं ऊपर को हाथ मार रहा हूँ 5 से पानी नीचे कर रहा है 5 से मैं वही का वही रह गया वर्क डन जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं खत्म कहानी ना मैं ऊपर जा पाऊंगा ना फिर तो क्रॉस तो करने की बात ही नहीं रही तो शॉर्टेस्ट पाथ ड्रिफ्ट जीरो ओनली पॉसिबल पॉसिबल कब है पॉसिबल पॉसिबल व्हेन यू की वैल्यू लेस देन वी होनी चाहिए यू की वैल्यू लेस देन वी होनी चाहिए यू को कम ही होना चाहिए नहीं तो ड्रिफ्ट जीरो हो ही नहीं पाएगी हाँ शॉर्टेस्ट पाथ निकलेगा लेकिन वो दूसरे एंगल पर निकलेगा लेकिन वो ऐसा नहीं आएगा थोड़ा टेढ़ा आएगा
शॉर्टेस्ट पास तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, लेकिन जीरो नहीं कर पाओगे इस बार आप, ठीक है। तो पहले तो हम ड्रिफ्ट जीरो वाला केस डिस्कस करते हैं। ड्रिफ्ट जीरो वाला केस को हम डिस्कस करते हैं, एक मिनट में कॉपी कर दी। हाँ हाँ, यहां तक हो गया क्या? वो ही लिखते हैं। ठीक है ठीक है, देखो ड्रिफ्ट जीरो वाला केस क्या है, ड्रिफ्ट को जीरो करना है, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू जीरो। या तो ये करो, या तो ये कहानी लेके आओ, यानी थीटा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा, या तो थीटा ग्रेटर देन 90 आएगा, या फिर एक काम करो, जब आपको पता चल जाए 90 से ऊपर आना ही है तो क्यों ना मैं इसको अलग से केस कर लूं, क्यों ना मैं पानी को ऐसे बना दूं, इंसान पानी का बहाव ऐसे है, इंसान को ऐसे रखो, थीटा इसके साथ बना लो, थीटा इसके साथ बना लो, अब तोड़ दो, अब आपने प्रॉब्लम अलग से दो, ऊपर को वी का साइन थीटा, इधर को वी का कॉस थीटा। अब वी एक्स कितना होगा, वी एक्स हो जाएगा यू माइनस वी कॉस थीटा, इसको करना पड़ेगा जीरो। अगर ड्रिफ्ट को जीरो करना ही है तो भाई x में वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, x की वेलोसिटी खत्म करो। देखो यहाँ पर एक्सलेशन वाला कोई शब्द नहीं आएगा, इंसान की वेलोसिटी फिक्स है, पानी की वेलोसिटी फिक्स है, तो एक्सलेशन वाला कोई शब्द आता ही नहीं है, वो एडवांस लेवल पर आखिरी में आएगी प्रॉब्लम, तो मैं प्रॉब्लम में समझा दूंगा अगर कुछ आता है तो। ऐसा एक प्रॉब्लम है एडवांस एएलबी में, एक प्रॉब्लम है लास्ट में, तो मैं अलग से समझा दूंगा उसको, लेकिन फिलहाल ये देखो। तो यहाँ पर x में जीरो हो जाएगा, यानी cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी u upon v, ठीक है इस बार। लेकिन यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा है, थीटा इज द एंगल द पर्सन मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के साथ कितना एंगल बना रहा है। इस बार क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बाय पर्सन और मैन या बोट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अगेंस्ट कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा आंसर दिया होगा ये वाला यहां से, कि विद द फ्लो, फ्लो के साथ कितना एंगल है, 180 माइनस थीटा बोल देना अगर इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है ना। अगर इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा बोल देना कि विद द फ्लो 180 माइनस थीटा, तो थीटा आपका आएगा कुछ 60 निकल के आएगा, 60 45 वगैरह निकल के आएगा, तो आपको आंसर क्या बोलना होगा, अगर 60 है तो 120 बोलना, विद द फ्लो, फ्लो के साथ 120 डायरेक्शन। नैतिक ये बताओ, ये cos थीटा u by v तो लिख दिया, ये कहानी तब तक पॉसिबल है जब तक, ये कहानी तब तक पॉसिबल है जब तक u is lesser than v, u छोटा है v से, अगर u बड़ा हो गया, पानी का बहाव ज्यादा है तो दिक्कत हो जाएगी। ये कहानी तभी तक पॉसिबल, ड्रिफ्ट जीरो तभी हो सकती है पॉसिबल only when u less than v, ठीक है।
नोट करके लिख लेना, इफ यू ग्रेटर देन जीरो वी shortest path is not equivalent to drift is equal to zero. It's not equivalent to drift is equal to zero. Shortest path वो नहीं आएगा जिसमें drift zero होगी, कुछ टेढ़ा निकल के आएगा, सही है? आ नहीं सकता यार, cos theta one से बड़ा हो जाएगा, one से बड़ा cos theta हो ही नहीं सकता, तो practically possible ही नहीं है. और आप ये सिंपल कोशिश कर लो, मुंबई बाहर आते रहती कभी तैर के देख लेना, मन कर रहा होगा तो तैर के देख लेना, घर के सामने जो भी है वहां मैकडी में जाना है, सामने घर के बिल्कुल अपोजिट साइड है, पानी का बहाव है मतलब तेज, आप खुद मान लो अगर तैरना आता है वैसे आपका नहीं हो, किसको आता है? स्विमिंग आती है क्या विनीत? स्विमिंग आती है क्या? आती है। अरे आओ कभी उत्तराखंड, तुम्हें नदियों में तैराते हैं, आओ आओ कभी इधर को आओ, सब भूल जाओगे स्विमिंग, स्विमिंग पूल में तैरा होगा तुमने, यहाँ प्रॉपर रिवर में तैरो, मजा आएगा फिर, कब पता चलेगा स्विमिंग आती है कि नहीं। घर के बगल में है वैसे हमारे, थोड़े दूर पे है। हाँ भाई देखो, ये वाला केस करते हैं, अगर u greater than v हो गया shortest path, नीली ये वाला हो गया क्या, इधर वाला? यस सर हो गया। ठीक है चलो, देखो इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसकी कहानी होगी क्या, अगर u ज्यादा हो गया b से तो उस केस में क्या होगा, आप शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जाओगे तो सही, ठीक है? तो आप एक काम करो, इस केस को डिसाइड करते हैं, आप मान लो, नहीं तो क्या लगता है मतलब ऊपर को हाथ मारोगे कि नीचे को ही मारोगे अगर शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो? सर लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना? ये सबको समझ में आता है कि अगर मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो मैं थोड़ा इधर को मारूंगा हाथ, इधर को तो नहीं मारूंगा, पानी की साइड जाऊंगा तो मैं बह जाऊंगा, ड्रिफ्ट ज्यादा आएगी, पाथ लंबा निकल के आएगा, पहुंच तो जाऊंगा सामने लेकिन मैं टाइम ले लूंगा, ठीक है? मतलब मेरा पाथ बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं वही करता हूँ, मैं आपका जनरल केस से करता हूँ, अगर मैं ऐसे चलता हूँ, इस बार मैंने थीटा ले लिया है इससे विद द फ्लो, ये वाला याद मत रखना, cos थीटा वहां पे कितना आता, माइनस का यूआई भी, ठीक है ना? तो इसको अगर आप या तो एक लाइन में सॉल्व भी कर लो, नहीं तो दिमाग में ऐसा भी रख लेना, cos थीटा यहाँ पे यूआई भी आया है, यहाँ पे क्या था जरा देख लो, ये यू यू हो गया, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, वी cos थीटा प्लस यू, वी वाई की वैल्यू हो गई वी का साइन थीटा, समय आ गया, समय कितना आ गया, d अपॉन b का साइन थीटा, ठीक है? समय आ गया d अपॉन b का साइन थीटा, ड्रिफ्ट कितनी आ गए, ड्रिफ्ट आ गए, ड्रिफ्ट d इज इक्वल टू, ड्रिफ्ट d इज इक्वल टू vx इनटू t, v cos थीटा प्लस u अपॉन d अपॉन v साइन थीटा, जीरो तब होगा, जीरो करोगे, जीरो कब होगा, जब ये जीरो हो जाए, ये जीरो होगा तो आंसर आएगा माइनस का यू बाई cos थीटा माइनस का यू बाई वी, जो इससे पहले डिस्कस किया था, इस बार तो मैंने थीटा ऐसे करके ले लिया, अगर ऐसे लेके था तो cos थीटा था माइनस का यू बाई वी, इस केस में क्या है हम डिस्कस कर रहे हैं, जब यू बड़ा होगा वी से, तो इसमें कैसे करना पड़ेगा, इस पर इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमम ड्रिफ्ट फाइंड आउट करनी है। हाँ भाई विनीत, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस एंगल पर मिनिमम वैल्यू आएगी, क्या प्रोसीजर है?
एक सेकेंड टॉपिक कर रहा हूँ। पार्ट क्या प्रोसीजर है कि ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या करना चाहिए ऐसा? एंगल को थोड़ा कम कर। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। अन्वेषा सर मिनिमम वैल्यू नहीं, इसको मिनिमम करना है, डी इज इक्वल टू इतना आ रहा है, इसको मिनिमम करना है, बताओ। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या आपने पहले इस चीज को करके इक्वल टू जीरो मैक्सिमम मिनिमम का याद आ रहा है कुछ हल्का फुल्का? यार ऊपर भी थीटा में चल रहा है, नीचे भी थीटा में। चलो अगर मान लो नीचे नहीं होता तब तो मेरे को समझ आता मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा मिनिमम होगा। कॉस थीटा मिनिमम कितना होता है, जीरो। कॉस थीटा मिनिमम कब होता है, जीरो। थीटा की वैल्यू आती है 90, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन अब थीटा ऊपर नीचे है, थीटा के हिसाब से आपको थीटा को वेरी करना है ऐसा कि डी मिनिमम हो जाए। अब थीटा ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है तो डायरेक्ट नहीं देख पाऊंगा, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना पड़ता है? अगर आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखो इसको कैसे करेंगे, ये हो गया, यस सर, ठीक है। टू मिनिमाइज ड्रिफ्ट d by d with respect to theta, इसको जीरो कर दो, theta के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। और एक बात बताओ, v और d ये तो बाहर आ जाएंगे, इनका कोई रोल ही नहीं है, तो d by d करोगे जब, है ना, तो d upon v तो बाहर आ गए, इनका कोई रोल नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए। क्या बचा, v cos theta plus u, डी बाई वी को ऐसा ले लो, वी कॉस थीटा प्लस यू अपॉन वी, ठीक है। अब इसको ना साइन थीटा, इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें रूल लगाना होता है आपको, है ना, कौन सा रूल लग जाएगा? हाँ भाई विनीत, कौन सा रूल लगेगा इसमें? वो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन रूल लग जाएगा ना। चाहो तो क्वेश्चन रूल से चलो, यहाँ से इसको एक एक के नीचे ले आओ। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाएगा कॉट थीटा, यू अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा को ऊपर लेगा कॉसेक थीटा, फिर डिफरेंशिएट कर दो, क्वेश्चन रूल का काम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं क्वेश्चन रूल से कर लेता हूँ, चलो पहले क्या करते हो, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हो, तो वी का साइन थीटा प्लस जीरो इंटू साइन थीटा माइनस वी कॉस थीटा प्लस यू, ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा है, नीचे वाले का स्क्वायर। डी अपॉन वी माइनस वी साइन स्क्वायर थीटा माइनस वी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसमें से भी क्या बच जाएगा, माइनस वी कॉमन ले लो, देखो माइनस वी कॉमन ले लोगे ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वन हो जाएगा। एक स्टेप खा रहा हूं मैं यहाँ पर, माइनस वी कॉमन ले लो ब्रैकेट में बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन हो जाएगा। माइनस वी माइनस यू कॉस थीटा इसको इक्वल टू जीरो करना है। ये जीरो कब होगा, ये जीरो तभी होगा जब यहाँ तो ये इंफिनिटी पहुंच जाए। अब ये तो इंफिनिटी पहुंचते सर आप, ठीक है, ये इंफिनिटी पहुंचते सर आप, तो यानी इसको जीरो होना पड़ेगा। अगर इसको जीरो होना है,
अगर इसको जीरो होना है तो माइनस बी माइनस यू कॉस थीटा की वैल्यू को जीरो कर दो, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन यू। नैतिक एक बात बताओ, इससे पहले जब u लेस देन v था तो तू आंसर कितना आया था, पहले वाले केस में आंसर कितना आया था? शॉर्टेस्ट पाथ का आंसर, हाँ शॉर्टेस्ट पाथ वाले का आंसर कितना आया था जब ड्रिफ्ट जीरो हो रही थी? तो v cos थीटा इज इक्वल टू माइनस u बाय v, माइनस u बाय v। इस केस में क्या आ रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस v बाय u। विनीत ये एंगल थीटा किसके साथ है, ये थीटा एंगल किसके साथ है, अगेंस्ट द फ्लो है या विद द फ्लो है? अगेंस्ट द फ्लो, अगेंस्ट द फ्लो। गलत बात कर रहे हो, विद द फ्लो है यार, ध्यान से देखो सर, वो बिफोर वाला डायग्राम था ना वो लेफ्ट में ना, ये तो इसका डिस्कशन हो रहा है। ऐसा होगा जब v लेस देन u होगा, इंसान की हिम्मत नहीं है, इंसान हल्के है, पानी तेज है तो इस एंगल पर आएगा। अगर इंसान तेज है पानी हल्का है तो cos थीटा की वैल्यू आएगी, अभी अभी देखा था माइनस का u अपॉन p। इस केस में ड्रिफ्ट, इस केस में ड्रिफ्ट होगी जीरो, इस केस में ड्रिफ्ट होगी जीरो, इस वाले केस में, इस केस में कुछ आएगी, कुछ आएगी, वो दिमाग लगा लेना कैसे आएगी। कैसे आएगी भाई, एक बार यहां से निकाल लेना, एंगल एंगल पता चल जाएगा आपको, एक बार एंगल पता चल गया वापस पुट कर देना यहां पर थीटा को ना। मान लो कॉस थीटा आया माइनस का वन बाई टू, कॉसिटा आया माइनस का वन बाई टू, कॉसिटा माइनस का वन बाई टू तभी आता है जब थीटा 120 होगा। थीटा को 120 यहां पुट करो, मिनिमम ड्रिफ्ट आ जाएगी आपकी, ठीक है। नैतिक दिमाग में आ तो नहीं रहा कि इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके चेक करना है मिनिमम है कि मैक्सिमम है? हाँ सर, दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि मैंने एक ही बार डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट करके चेक क्यों नहीं किया? हाँ, कि एक्चुअल में मिनिमम ड्रिफ्ट है कि मैक्सिमम ड्रिफ्ट है, चेक भी करना चाहिए ना। यस सर। अब देखो एक ही सॉल्यूशन निकल के आया, एक ही सॉल्यूशन निकल के आया मतलब या तो मिनिमम ड्रिफ्ट होगी या मैक्सिमम ड्रिफ्ट होगी। अब उसको प्रैक्टिकली सोचो, मैक्सिमम ड्रिफ्ट पर कोई लिमिट है क्या? मैक्सिमम ड्रिफ्ट कितनी आएगी अन्वेषा, मैक्सिमम ड्रिफ्ट कितनी आएगी? सर इनफिनिटी, इनफिनिटी। तो मैक्सिमम ड्रिफ्ट की तो कोई कहानी नहीं है ना, तो ऑब्वियस बात है मिनिमम ड्रिफ्ट का आंसर होगा। आई बात समझ में, जब मिनिमम ड्रिफ्ट का आंसर होगा, cos थीटा की वैल्यू माइनस v बाय u है, इसको वापस यहां पुट करो, मतलब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो, फिर cos थीटा की माइनस v बाय u है उसमें पुट करो अगले वाले डिफरेंशिएशन में, मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट से चलो, तो पता चल जाएगा ये वैल्यू पुट करने पर वो फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही होगी, तो पता चल जाएगा ये मिनिमा है। लेकिन आप एक बार डिफरेंशिएशन से भी पकड़ सकते हो कि भाई यही सॉल्यूशन आ रहा है, एक ही सॉल्यूशन आ रहा है माइनस वी अपॉन यू, यानी इस पर्टिकुलर एंगल पर मिनिमम ही मिल रहा होगा, क्योंकि मैक्सिमम तो इन्फाइनाइट जा रहा है, मैक्सिमम तो ड्रिफ्ट इन्फाइनाइट आ सकती है, तो उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। उसका आंसर तो ये आना चाहिए कि भाई थीटा को जीरो कर लो, थीटा को जीरो करो, ड्रिफ्ट इन्फाइनाइट, चलते रहो इस कोने नदी के इस कोने, बस चलते रहो कोने कोने, नीचे जाके मिलोगे। जिस जिसका ये हो जाएगा सॉल्व एग्जाम्पल 10 से चालू हो जाओ। नैतिक यार देख के बताओ कहां तक हो पाएंगे हमसे? सर रिवर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना? हाँ रिवर वाले ही कर लो। हाँ तो कहां से 11 से चालू करें?
15 to 18 है रिवर के क्वेश्चन. 18 था. चलो 15 to 18 कर लो. पहले 15 to 18 कर लो. तो रिलेटिव मोशन इन 2D इन जनरल का उसके भी एग्जांपल्स हैं. चलो पहले 15 टू 18 कर लो. अब यहाँ से आधा घंटे में हमने खाली बस सॉल्व एग्जांपल करने हैं और मेरे को बताने हैं आपको. बस करना चालू करो. चलो पहले 15 टू 18 कर लो, फिर मैं आपको पहले वाले बता देता हूँ. उससे पहले वाले कैंसिलिंग 10 टू 15. यार लेक्चर लीव मत करना, मैं थोड़ा साइड में बैठा हुआ हूँ. अच्छा मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग की, मेरे को याद दिला देना जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ.